स्पॉट कर लिया। यहाँ पे स्प्रे आते हुए एक्सक्यूएफ नॉक्ट आउट, टू वी टू का फाइट है, एससीपी वर्स वन वी टू का फाइट है, एसएससी वर्सेस एनबीटी नाउ टू अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। जूसी और सिकलेस टीपीपी ले रहे हैं, पर नाउ टू शायद या होल्ड बैक करके अपने टीम को रिवाइव करेगा। एंड नेट आता हुआ जूसी का बहुत ही प्यारा, यहाँ नाउ टू पिकअप हो सकता है, पर मॉली थोड़ा दूर गया, सही कनेक्ट नहीं हुआ, पर यहाँ पे एसएससी के पास रिवाइव कर दिया। अब जो सिचुएशन थी 1v2 उससे अच्छा ये है कि बेटर टू गो फॉर अ 2v2 सिचुएशन, क्योंकि दोनों को पता है कि एक एक पत्थर के पीछे दोनों छुपे हुए हैं, और यहाँ पर एसएससी के लिए नुकसान ये है कि जो नेक्स्ट सर्कल कटेगा उनको आगे बढ़ना है। तो भाई अब जो आपकी एसडीबी है वो उनके पास सर्कल है, दे कैन एंजॉय दिस फ्रीडम। अब वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर बैठ चुके हैं, और अब अगर उन्होंने मूव किया, अब ये देखिए अब जैसे वो हल्का सा राइट मुड़ते हैं वो इंस्टेंटली उन पे स्प्रे करेंगे। उन्होंने यहाँ पे स्मोक करके अपनी थोड़ी सी अपनी मूवमेंट बनाएंगे, उन्होंने फ्लैश कराया। ओके, काफी कम लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में भी ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, पर शिमोन की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा पोजीशन लेके रखा शिमोन। चाहे जूसी और सिक्सलेस को पता भी नहीं है कि एक बंदा उनके राइट पे आ चुका है, सिक्सलेस वहां पे फॉरवर्ड पोजीशन में जाने की कोशिश करेंगे। नाउटो के पास एक ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर वो चढ़ के ऊपर से मार सकते हैं, विच इज ऑलवेज एडवांटेजियस। यहाँ जूसी के पिकअप होने के बहुत चांसेस है, एसएससी का एक बंदा पिक्स रोटेट करते हुए शिमोन पिकअप करते हुए जूसी लास्ट मैन बचेगा, शिमोन यहाँ रश करने की कोशिश करेगा लास्ट बंदे पर वो रश करके प्रोन कर गया। यहाँ पे नाउटो को आगे जाने का वो देगा, पीछे से कवर फायर देगा, पर नाउटो को स्पॉट नहीं कर पा रहा। जूसी अपने टीम के लिए ऑलमोस्ट चिकन डिनर ले लिया एंड बट यहाँ पे एससीबी चिकन डिनर उठाते हुए काफी क्लोज था फॉर अ सेकंड। आई थॉट कि यहाँ पे